हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपने नया आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट कराया हुआ है, ठीक है, यदि आपने नया आधार कार्ड बनाने के लिए वे नामांकन कराया हुआ है या फिर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट कराने के लिए जो है वो एनरोलमेंट किए हुए हैं, ठीक है, तो उसका आप स्टेटस को कैसे पता कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कि आपका आधार कार्ड बना है अथवा नहीं बना है। तो देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिएगा, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है दोस्तों UID, ठीक है। UID टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पहले नंबर पे ही इसका ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाता है, uidai.gov.in। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। यहाँ से आप जो है ऐड को क्रॉस वाले निशान से हटा लें। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएं। नीचे आने के साथ में ही दोस्तों यहाँ पे गेट आधार का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आपने नया आधार कार्ड बनाया हुआ है और उसका स्टेटस को पता करना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड बना अथवा नहीं बना, तो यहाँ पे चेक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, यदि आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाए हैं, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम या फिर अपना एड्रेस को या बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट, आईडीज या फिर दोस्तों अपने फोटो को अपडेट करवाए हैं या मोबाइल नंबर को लिंक करवाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपडेट आधार वाला सेक्शन में जा सकते हैं और इसके अंदर एक सब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है चेक आधार अपडेट स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। हालांकि दोस्तों दोनों जो लिंक है वो एक ही जगह आपको सीधा रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो पहले वाला ऑप्शन है गेट आधार, इसमें जो चेक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे जो है वो आपसे एक नया पेज यहाँ पे आ जाता है और आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे सिंपली इसी पेज की सहायता से आप लोग अपना आधार कार्ड जो है वो चेक कर सकते हैं बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट आईडी डालना है और फिर यहाँ पे कैप्चा इंटर कर देना है। यदि आपके पास में एनरोलमेंट आईडी नहीं है दोस्तों, तो आपके पास में SRN नंबर होगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या फिर URN यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, तो जो भी होगा उसे आप डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनरोलमेंट आईडी आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, जब अपना आधार कार्ड बनाए होंगे या फिर अपडेट किए होंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक पावती मिला होगा, एक रसीद मिला होगा, जिसे आप पर्चा भी कह सकते हैं। इसी पर्चा के अंदर यदि आप गौर कर पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है जो कि 14 डिजिट का होता है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका डेट दिया गया है जो कि आपका 6 डिजिट का है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समय दिया गया है जो कि आपका जो है 6 डिजिट का है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों टोटल 14 डिजिट का यहाँ पे आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद 8 डिजिट का यहाँ पे डेट हो गया। 14 और 8 कितना होता है, 14 और 8 आपका हो जाता है 22। और उसके बाद 6 डिजिट का आपका समय हो गया जिसमें आपका घंटा, मिनट और सेकेंड है। ये तीनों को मिलाकर के आपका टोटल 28 डिजिट होगा। यही 28 डिजिट मिलकर के आपस में एनरोलमेंट आईडी नंबर बनता है। बस आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब आप अपना अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डालेंगे तो इसे सीधा सीधा डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 8 है, 1 है, 5 है, इसके आगे जो भी होगा दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि ये जो है वो प्राइवेसी के खिलाफ है, तो यहाँ पे मैंने इसे हाइड करके रखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इंट्री कर देने के बाद जो ये डेट दिया गया है उसे आपको उल्टा डालना है, जैसे कि 15/09/2022 है, तो 2022 आपको पहले डालना है। उसके बाद यहाँ पे 09 डालना है और फिर दोस्तों आपको जो है वो डालना है 15। और उसके बाद जो समय दिया गया दोस्तों उसे आपको सीधा सीधा डालना है, ठीक है। जो भी समय दिया गया है उसे सीधा सीधा डाल देना है। इस तरह से आपको जो है वो एनरोलमेंट नंबर डाल देना है जिसमें कहीं भी डॉट नहीं होगा, कहीं फुल स्टॉप नहीं होगा, कहीं पे स्लैश नहीं होगा। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर को आप सीधा डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो डेट है उसे उल्टा आपको डालना है और समय को आपको सीधा डालना है। टोटल मिला करके 28 डिजिट होगा। ये आप पर्चा से भी देख सकते हैं और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो SMS आया होगा उसमें भी ये चीज़ मेंशन होता है। अब चलिए दोस्तों ये मैं फिल कर लेता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को डाल दिया है, कैप्चा को भी फिल कर लिया। अब चलिए सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे सबमिट करते हैं, नीचे में यहाँ पे लिख देता है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, वैलिडेशन स्टेज कंप्लीटेड। मतलब ये हमारा तीनों प्रोसेस हो चुका है। मैंने यहाँ पे आवेदन दिया था, इसे जाँच पड़ताल किया गया यानी वैलिडेट किया गया, और फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। दोस्तों यदि आपका भी कुछ इसी तरह से स्टेटस शो कर रहा है जिसमें से लिख करके आ रहा है योर आधार हैज़ बिन जनरेटेड, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो बन चुका है। आप चाहें तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर CSC सेंटर जा करके निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और गूगल को खोल लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है UID और इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, पहले नंबर पे वेबसाइट UID का देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे जो भाषा पसंद होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो एक ऐड आ जाता है, इस ऐड को आप जो है वो क्रॉस वाले निशान से हटा लें, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएं। नीचे आने के साथ में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन गेट आधार का मिल जाएगा, जिसमें डाउनलोड आधार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के साथ में दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे डाउनलोड आधार का, देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो अपना आधार नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनरोलमेंट नंबर से। अभी मैंने आपको इनरोलमेंट नंबर दिखाया, उसी टाइप से यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। यदि आपको इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड करना है तो आप जो है इनरोलमेंट नंबर वाला जो बॉक्स है इसमें टिक कर दें, या फिर आप चाहें तो वर्चुअल ID से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल ID से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वर्चुअल ID पे टिक कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस भी मान लीजिए आधार नंबर से ही डाउनलोड करना चाहेंगे तो फिर आधार नंबर वाला जो बॉक्स है इसमें टिक रहने दें। उसके बाद दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद सेम OTP का बटन आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP आ जाता है। दोस्तों उस OTP को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपका जो है वो वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद आपका आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड खोलने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपके नाम का पहला 4 कैपिटल लेटर और आपका जन्म वर्ष, ठीक है, ये आपको डाल देना है। आपका जो आधार कार्ड का PDF पासवर्ड होगा वो खुल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है वो राजेश है और आपका जो जन्म है वो 2005 में हुआ है, तो आपका जो पासवर्ड बन जाएगा वो कैपिटल R होगा, कैपिटल A होगा, कैपिटल J, कैपिटल E और फिर 2005 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, आपके नाम का पहला 4 कैपिटल लेटर और आपका जिस पर जन्म हुआ है दोनों मिलकर के आपका पासवर्ड बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपना स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बना है या फिर नहीं बना है, और साथ में ऑनलाइन आप लोग अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके सभी दिक्कत सभी क्वेरीज का यहाँ पर समाधान हो गया होगा। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पर आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।